हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। GTFI की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से हम एक और बार आ चुके हैं अपनी सारी इंडियन कार्स के साथ मेगा रैम चैलेंज करने के लिए। और भाई साहब, इस बार नहीं क्या, इस बार का जो रैम्प है ना, इस बार का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रैम्प होने वाला है। मतलब आज तक अपन ने जितने भी अपने मेगा रैम के टेस्टिंग वगैरह किया है, उन सब में सबसे बड़ा रैम्प यही है दोस्तों। तो देखते हैं ये सारी कार्स अपनी जो इंडियन कार से कैसी परफॉर्म करती है। तो देख लो भाई, आज इतनी सारी इंडियन कार्स का टेस्ट होने वाला है भाई साहब। चाहे सोनेट हो, डिज़ायर हो, अल्ट्रोज हो, XUV700 हो, अल्काज़ार हो, इनोवा हो, थार हो, भाई या फिर बहुत सारे कार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सब मैं धीरे धीरे ज्यादा दिखाने वाला हूं आपको, क्योंकि भाई इतने सारे कार्स है, भाई इतने सारे कार्स का आज अपन टेस्ट करने वाले हैं। नई वाली बलेनो भी होने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों ये अपनी ब्रांड न्यू हुंडई की वरना भी होने वाली है, जिसको अपन ने फाइनली फुल्ली इंपोर्ट कर ली है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इसका इंटीरियर वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखो भाई, आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूं जल्दी से भाई, क्योंकि आपने वरना के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। वरना को अपन ने इंपोर्ट करे थे, फिर उसमें ओरिजिनल इंटीरियर भी इंपोर्ट करना था, मतलब भाई बहुत ज्यादा टाइम हो जाता। तो इसलिए सोचा कि मैं आज आपको इसका क्विक वॉक अराउंड भी दे दूं भाई। तो इस तरीके से अपनी वरना लगती है दोस्तों, और इसके मैं थोड़ा हल्की फुल्की डिटेल्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई ये रैम का वीडियो है। तो फटाफट देखो अपन बात खत्म करते हैं। नई वरना का मॉडल दोस्तों आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले इसकी ग्रिल देख लो, साथ ही साथ दोस्तों ये देखो इसके जो अलॉय व्हील्स है, अपन ने टायर्स वगैरह भी इसके टोटली चेंज करवा दिए हैं, और ये अब भी और भी ज्यादा बेहतर लग रही है दोस्तों। चलो थोड़ा इसका आपको इंटीरियर भी दिखा देते हैं। Get through all the challenges, won't waste the breath if you ask who winning, you know the decision unanimous. I might cold black with passion, blow past him, no chances, panic or challenge, back to back, bad is old habits, cause casket for your whole clan. तो ये था दोस्तों अपने कुछ इंटीरियर का लुक। मैं आपको थोड़ा एक और बार दिखा देता हूँ नॉर्मल कैमरा एंगल से भी, देख लो भाई एक बार, बहुत ही प्यारा इंटीरियर लग रहा है दोस्तों। और भाई साहब इसमें जो है वर्किंग सनरूफ भी है, चलो आपको वर्किंग सनरूफ भी दिखा दिया जाता है। चलो ये देख लीजिए, तो ये रहा दोस्तों, मैंने बटन दबाया और देखो ये जो नीचे का होता है दोस्तों, रियल लाइफ में तो अपने को वैसा करना पड़ता है, लेकिन GTFI में अपना ऑटोमेटिक कर दिया। और भाई साहब देखो पूरा सनरूफ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार लग रहा है भाई। पूरी वरना ही पूरी शानदार गाड़ी है, मतलब अगर तीनों सेडान में से देखा जाए, होंडा सिटी, वरना और सियाज में से, सबसे पहले ना मेरे नंबर पे आती है वरना, उसके बाद सियाज, फिर होंडा सिटी। तो भाई चलो अब शुरू करते हैं भाई टेस्ट। बहुत बातें हो गई, वरना भी देख लिए, वरना Shopify पे अवेलेबल भी हो चुके हैं दोस्तों, तो परचेस कर सकते हो। तो चलो भाई अब चलते सीधा नीचे, और ये हुई ना बात भाई साहब। चलो अपनी यहाँ पे अब देखो भाई कितना लंबा रैम्प है। सबसे पहले देखो भाई साहब ये देखो रैम्प, देखो भाई यहाँ पे स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। लिटरली देखो भाई 250 भाई क्रॉस कर ली भाई। देखो ग्रेविटी, मैंने कहा था बहुत लंबा होने वाला है लैम्प, और ये जो ग्रेविटी है ना भाई पूरा साथ देने वाली इस बार अपनी। तो ये देखते हैं क्या होता है। 300 के ऊपर जंप मारेंगे कि नहीं मारेंगे भाई, 300 के ऊपर जंप मार दी भाई साहब, देखते हैं कहाँ तक जाती है, और डैमेज कितना आता है वो भी देखना जरूरी है भाई। भाई भाई थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इसे, वरना देखो नीचे एक जो लेक है ना दोस्तों, एक बार बताना चाहूंगा, जो आपको लेक दिख रही है ना वो फ्रोजन लेक है, तो उसमें गिर भी गई तो ज़्यादा डैमेज आएगा भाई। भाई साहब अरे गाड़ी पे डैमेज उतना नहीं आया यार, डिडंट एक्सपेक्टेड यार। यार इसकी NCP रेटिंग क्या है मुझे तो पता नहीं यार, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई इसके तो सिर्फ ग्लास ही फूटे हैं। देखो भाई दो तरफ से बस ग्लास फूटे हैं। अब वैसा भी हो सकता है कि ये आप एक भूसे वैसे मतलब ऐसे खेत में गिरी है, तो इस वजह से इतना डैमेज नहीं आया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। नेक्स्ट गाड़ी है दोस्तों अपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। भाई स्कॉर्पियो को बहुत लोग बोलते हैं भाई कि आप आखिरी में इसका टेस्ट क्यों करते हो, हमको पूरा वीडियो जबरदस्ती दिखाने का रहता। चलो हम पहला कर देते, चलो ठीक है पहला कर देते, इस बार अपन स्कॉर्पियो को दूसरे नंबर पर टेस्ट कर लेंगे, पहला नहीं दूसरे नंबर पर। चलो ठीक है स्कॉर्पियो को भी अपन टेस्ट कर लेते और देखते हैं भाई ये कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, और ये ले लिया अपन ने स्कॉर्पियो को दोस्तों, देखो चलो देखते हैं कितना तक जा सकती है भाई। ये 200 क्रॉस कर लेंगी, आराम से कर लेंगी इसने 200 दोस्तों। भाई ये स्पीड क्या क्रॉस कर रही, भाई क्या ही स्पीड क्रॉस कर रही भाई, वरना से स्पीड क्रॉस कर रही। अब जहाँ तक मुझे जितना पता है कि भाई जितना अपना बड़े होंगे उतने जरूर से गिरेंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है स्कॉर्पियो के साथ। और भाई साहब 327 की स्पीड पे जंप मारी है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है 327 की स्पीड पे, और भाई मैं इसको सीधी रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई ये गिर रही है, क्या हो रही है। ओ भाई मैं टच नहीं करा रिमोट को, बिल्कुल टच नहीं करूंगा। अरे अरे देखा हुआ भाई, मैं टच नहीं करूंगा रिमोट को भाई, कुछ भी टच नहीं करूंगा भाई, टच नहीं करने का बिल्कुल। अरे 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 भाई सीधी सीधी सीधी, अरे भाई नहीं, अरे भाई चमत्कार हो गया भाई। ओ भाई बिल्कुल स्कॉर्पियो तो भाई ऐसी भाई, अरे इसको बस सामने का बम्पर थोड़ा सा डैमेज आया है, लेकिन भाई सब बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं है। चलो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, आज फटाफट लेंगे दोस्तों। भाई सॉरी आज मैं सारी गाड़ियों का डैमेज नहीं बता रहा, लेकिन भाई बहुत सारी गाड़ियाँ है, सच में बता रहा हूँ बहुत सारी गाड़ियाँ है। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं सीधा सीधा रैम्प टेस्ट। चलो आगे इनोवा क्रिस्टा अगली भाई, देखते कैसी परफॉर्म करती है।
अभी इनोवा की जो थोड़ी शुरुआत है थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन ये भी स्पीड पकड़ ही लेंगी। और स्पीड से आता है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी कार ने सबसे ज़्यादा स्पीड में जंप मारी। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी कार सबसे स्पीड में यहाँ पे जर रही है और जंप मार रही है, और भाई कौन सी ज़्यादा ने सबसे कम डैमेज करी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वो देखते हैं भाई, अभी मालूम पड़ जाएगा। इनोवा तो भाई फिलहाल 300 भी नहीं पहुँची वो। और ये क्या है भाई, कुछ भी यार, कुछ भी। ये वाह वाह वाह, क्या हरकत, मतलब कि क्या हो गया, मतलब भाई जंप तो मार लेती इनोवा। अरे 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 अरे, देखो देखो सारी कार्स तो जंप मार रही है भाई, अभी ये कौन सी गलत हरकत है यार। है अब इसका दोस्तों रीजन क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना भाई कि इनोवा का क्रिस्टा के साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो अप्रोच एंगल का इशू लग रहा है, लेकिन भाई साहब ऐसा मतलब वरना भी तो फिर बात कर गई, वरना का ग्राउंड क्लियरेंस तो इनोवा से भी कम है, लेकिन फिर ऐसा इनोवा के साथ ही क्यों हुआ, ये एक बार आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जिसने सही जवाब दिया भाई उसको कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो सही जवाब देने की जरूर कोशिश करना। चलो भाई, जो इससे रैंप पार करने की उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो चलो भाई, नेक्स्ट कार है अपनी हुंडई की i20। तो चलो भाई इसको ओपन करते हैं टेस्ट। पिछली बार जो अपन ने i20 को टेस्ट करे थे दोस्तों, वो एनलाइन वर्जन थी, और ये है i20 सिर्फ एस्टा मॉडल, ठीक है? देख सकते हो भाई ये एनलाइन वर्जन नहीं है, ये भी अपने स्टोर पर अवेलेबल है दोस्तों। i20 के तीन वेरियंट अपने को एक ही साथ मिलते हैं, तो भाई एनलाइन भी और एन वर्जन भी आपको मिलता है दोस्तों, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो भाई, अब ये i20 भी अब चलनी शुरू हो चुकी है, देखते हैं कहाँ तक स्पीड लेके जाती है। तो भाई साहब इसने 200 तो आसानी से क्रॉस कर लिए, और देखते हैं भाई साहब कहां तक जाने वाली है। भाई साहब 300 को क्रॉस कर ले i20 कर ले, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 300 भाई, 300 क्रॉस कर ली इसने, और मुझे लगता है बहुत स्पीड में जब मारने वाली है। ये बात भाई, लगा सामने बम्पर को बहुत जोर से लगा है, मेरे को दिखा भाई पूरा कचरा उड़ के आया। अरे 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 अरे, ये अनबैलेंस हो गई दोस्तों, ठीक है? ये अनबैलेंस हो गई, मैं इसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। भाई सीधी हो जा, लेक में मत गिरना, लेक में प्लीज मत गिरना। अरे अरे अरे, फ्रोजन लेक में गिर रही है, पानी नहीं है वो। बच जा यार, ये क्या हुई भाई साहब। भाई तो वो सच था जो लोग इंस्टाग्राम पे कह रहे थे, ठीक है? क्या कह रहे थे सबको बताया भाई, मैं कुछ नहीं बोलने वाला इसके आगे। अगली गाड़ी की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट कार है दोस्तों हमारी महिंद्रा की थार। भाई मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और भाई मुझे लगता है ये अच्छे से पार करने वाली है। भाई थार है, ऐसी वैसी कोई गाड़ी नहीं है, तो चलो भाई चलते हैं, चलो थोड़ा आराम से इसमें। हाँ बढ़िया, बस चलो। ये बात देखो, स्टार्टिंग से दोस्तों इसने अपने रॉब जमाना शुरू कर दिए भाई, बहुत बढ़िया। 200 तो ऐसे टच कर ली थार ने कि भाई पूछो मत, मजाक है इसके लिए 200 तो। भाई चलो एक काम करेंगे, 400 के ऊपर तो जंप लगा ही लेंगी। 400 लगा, 400 बहुत लंबा रैंप है, चल 400 पकड़ ले, 300 तो। अरे अरे भाई रुक जाओ, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा अलग ही चल रहा है इसका। ओ भाई ये बात, बिल्कुल सीधी लैंड करूंगा। मैंने कंट्रोलर से हाथ छोड़ दिया दोस्तों, अभी कंट्रोलर बिल्कुल इसको कंट्रोल नहीं करूंगा, ना स्टीयर लेफ्ट ना स्टीयर राइट, बिल्कुल सीधा, ठीक है? मैंने i20 के साथ भी ऐसे करा था, लेकिन वो उल्टी हो गई थी, अब पता नहीं क्यों। देखा ये भी टेढ़ी हो रही है, ठीक है? कोशिश तो ये है कि बिल्कुल इसको सीधा। अरे यार, बहुत ज्यादा गलत हो गया। शेट, थार तो गई पूरी, सच में पूरी गई, पूरी तरीके से गई। देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, सामने का बम्पर पूरा उखड़ के एक जा चुका है, बम्पर ग्रिल लाइट्स है, ये थार की हालत देखी नहीं जाती। चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ दोस्तों। अपनी नेक्स्ट कार जो चारा बनने वाली है वो है हुंडई की अल्काज़ार। देखते हैं दोस्तों ये अल्काज़ार कैसे परफॉर्म करती है, वैसे काफ़ी रगड दिख रही है, बहुत भयंकर दिखती है दोस्तों, तो देखते हैं आज ये कैसे परफॉर्म करती है। तो चलो यार चलते हैं, धीरे धीरे से चलेंगे, और ये बात चलो अल्काज़ार तो चलना शुरू कर दी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही है अभी, लेकिन इसकी स्पीड उतनी अभी इसने 200 तक पकड़ ली है, बहुत बढ़िया पकड़ ली है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ी मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है गाड़ी। नहीं चल रही है, बराबर चल रही है, 300 की स्पीड पे शायद जंप मारेंगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही निकल रहा है 300 की स्पीड पे जंप मारेंगी। देख भाई 300 क्रॉस कर ली इसने, और ये बात, अरे इसके साथ भी थोड़ा इनोवा के जैसा हुआ। देखे दोस्तों आपने, इसके साथ भी थोड़ा बहुत इनोवा के साथ हुआ, जैसे मतलब इनोवा का भी यहाँ पे छो गया था। जहाँ तक मुझे लगता है ये गिरने वाली है फ्रोजन लेक में, लिख के रख लो 100% ये गिरेंगी अब फ्रोजन लेक में। और भाई देखते क्या होता है हाल, मैं उसको सीधा लैंड कराने की कोशिश करता हूँ। अरे 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 भाई, ज़मीन के बल लैंड हुई ना तू, भाई ज़मीन के बल लैंड हुई, स्कॉर्पियो भी ज़मीन के बल लैंड हुई थी।
भाई तो कैसा है, मतलब ये हुंडई की कार्स का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं किसी का फैन बॉय नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का हेटर हूँ, लेकिन भाई ये आज अपने साथ क्या हो रहा है ये भाई। मतलब देखो लिटरली यार, जो मैंने i20 का हाल देखा था सेम अल्काइज़र का वही हाल हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे वजह क्या है कि दोनों कार्स का हाल बिल्कुल सेम हुआ है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कार है दोस्तों नई बलेनो। भाई साहब उस दिन तो इसने बढ़िया परफॉर्म कर दी थी, अब देखते हैं दोस्तों ये कैसे परफॉर्म करती है। वैसे दोस्तों ये वाली जो बलेनो है ना, अपनी ये इंपोर्ट करी वाली बलेनो नहीं है, अपन ने क्रैश टेस्ट के लिए दूसरी वाली बलेनो मंगाया है। क्योंकि आपको याद दूंगा अपने जो बलेनो चुराए थे वो अपनी सबसे रेयर मॉडल है, और वो भाई सबसे एक ही रेड आई है पूरे लॉस सैंटोस में, सिर्फ एक ही रेड लॉस सैंटोस में। ये वाली अपने टेस्टिंग के लिए मंगाया है सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बढ़िया, थोड़ा सा उसके लोअर वेरियंट है थोड़ा सा, चलो ठीक है। अरे यार इसको मैं थोड़ा रेडियो बंद कर देता हूँ। हाँ चलो अभी चलते हैं। भाई इसने तो 300 ऑलरेडी क्रॉस कर ली, मुझे लगता है ये अरे भाई साहब बहुत स्मूथ, मैं इसको कहूँगा बहुत स्मूथ। सामने को थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा लगा। अरे 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 ये हल्के गाड़ियाँ थोड़े से नहीं कि जो गाड़ियाँ हल्के हैं ना भाई आसानी से घूम जा रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं घुमाता हूँ, मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ, लेकिन वो उसके बाद जो हवा आती ना वो विंड इनको ऐसे घुमा देती, फिर मुझे बाद में इनको कंट्रोल करना पड़ता है। ये देखो बिल्कुल सीधा, ये देखो। अरे बाप रे भाई, कमेंट सेक्शन में कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ ना लिटरली कोई कुछ नहीं लिखेगा इसके बारे में। ये देखो इतनी बढ़िया अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलने का। जहाँ गिरेंगी वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा इतना, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलते XUV की तरफ अपने। ये बात, ये बैठ गए अपन दोस्तों अपने XUV 7W के अंदर, ये हुई ना बात। चलो भाई अब XUV 7W देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती। वैसे अपने बहुत सारे वेरियस क्रैश टेस्ट में भाई इसने अच्छा ही परफॉर्म करी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। वो बात अलग है कि अब इसमें डैमेज तो होता है, लेकिन भाई परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करती है। ठीक है देखते हैं, अभी मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी इसकी स्लोली स्टार्ट किया हूँ, और देखते हैं फिर ये फ्रोजन लेक में गिरती है या फिर जंप मार के फ्रोजन लेक के आर पार गिरती है या फिर खेत को पार करती है, वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है वैसे दोस्तों, अब अपने को नेक्स्ट कार कौन सी इंपोर्ट या फिर मेगा रैम चैलेंज के लिए लेके आनी चाहिए। वैसे इंपोर्ट की वीडियोज़ तो शायद अब नहीं आएंगे, अपने मेगा रैम और चैलेंजेस की वीडियो ज़्यादा मैं फोकस करने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट कार अपने को चैलेंज में कौन सी लेके आनी चाहिए, कौन सी कार्स लेके आनी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे अगर आपने लिस्ट पे लिख दिए तो अपने धीरे धीरे करके सब गाड़ियों को लेके आते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना है कि जितनी भी अपनी इंडियन कार्स हैं उनकी आप क्या ड्रैग रेस देखना पसंद करेंगे, दो दो कार्स की, तीन तीन कार्स की, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट में। मतलब मैं एकदम 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा उनके ऊपर, शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपको कार रेस की वीडियो देखने अपने इंडियन कार्स की, वो भी सिनेमैटिक लेवल पर। आपको तो पता है पहले मैं किस तरीके की वीडियो डालता था, आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों कि जो फॉर्मेट में वीडियो डालता था मैं, बहुत जबरदस्त रेसिंग के रिस्पांस भी आप बहुत लोग तगड़ा देते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं। तो अगर आप लोगों को चाहिए रेसिंग के वीडियोस 1-1 मिनट के, और भाई बहुत तगड़े वीडियोस बनाने वाले हैं अपन, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं सारे के सारे ड्रैग रेस के वीडियो अपने जैसे XUV 5W वर्सेस 7W, वरना वर्सेस सियाज, किया सोनेट वर्सेस अब भाई नेक्सॉन, भाई जो भी बोल सकते हो आप बोलो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी कार का ड्रैग रेस का वीडियो अपन सबसे शुरू करें। ठीक है कमेंट करके बताओ। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट कार की तरफ दोस्तों। और नेक्स्ट कार है दोस्तों अपनी किया की सोनेट। अभी सेल्टोस नहीं है दोस्तों यहाँ पे, अभी दो कार्स ही बचे हैं, फिर बाकी कार्स का नेक्स्ट वीडियो के रैंप पे टेस्ट में। चलो भाई अभी फिलहाल तो पहुँच चुके हैं दोस्तों अब अपन, और देखो सोनेट भाई बहुत स्पीड पकड़ रही है भाई। मतलब देख रहे हो इसका स्पीड, देख रहे हो मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड चल रही है भाई, थोड़ा सा ट्रैक्शन छूट रहा है गाड़ी का। मैं भाई ध्यान नहीं दे रहा था मैं इसके, मतलब स्टीयरिंग मैंने हाथ में छोड़ दिया तो देखा इधर भाग रही थी वो। लगता है व्हील का अलाइनमेंट ठीक कराना पड़ेगा दोस्तों सोनेट का। और ये अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुई। सोनेट खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी वही हल हुआ जो इनोवा के साथ हुआ, इसका भी सामने का बम्पर देखो पहले डैमेज हो चुका है, वहीं पर टच हो गया, रैम पे टच हो गया। अबे भाई तुम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जा रहे यार, हिट बहुत ही गलत हो गया। सोनेट उम्मीद नहीं थी मेरे को तो ऐसी। अरे भाई इसकी ग्रिल हो गई, ये क्या हो गई, ये ग्रिल के देखो 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 क्या हो चुका है, पहचान में भी नहीं आ रही। वो सोनेट है, वो सेंट्रो लग रही है भाई, वो सेंट्रो का एक्सीडेंट होता ना वैसी लगती है। अरे क्या वही, क्या ही बोलना, पूरी तरीके से इसका कबाड़ा हो गया दोस्तों। ये गाड़ी तो अपने को फेंकनी पड़ेगी, इसको रिप्लेस करके नए की सोनेट ला लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास तो फ्रैंकलिन भैया है भाई सोनेट की, तो भाई फुल प्रोटेक्शन कैपेसिटी में है। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कार की तरफ। और नेक्स्ट कार है दोस्तों डिज़ायर, मारुति सुजुकी डिज़ायर भाई, जिसका मैं नेक्स्ट जनरेशन का काफ़ी अच्छे से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलते हैं भाई इसकी तरफ भी। अब क्या है बोलो, अपने फ्रैंकलिन भैया काफ़ी थक गए भैया रैंप करके, चैलेंज करके भाई आज का। भाई इतने सारे गाड़ियाँ दोस्तों हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने बहुत सारे कार्स बाकी है। अभी मुझे मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं भाई
सफारी कहाँ है, हैरियर कहाँ है और बाकी जितने भी कार्स हैं, टिगर है जैसी कि, वो सब कार्स कहाँ है। तो भाई देखो उनका भी वीडियो बनाते हैं। अभी बहुत सारे गाड़ियाँ मिसिंग है यहाँ पे, बुलेरो भी नहीं दिखी आपको, आपको पता है बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब इतने सारे कार्स का क्रैश टेस्ट एक ही वीडियो में करना बोले तो इम्पॉसिबल हो जाता भाई। तो ठीक है, अगर करने लग गए तो शायद बन जाएगा एक मिनट का वीडियो, सॉरी एक मिनट बोल रहा है, एक घंटे का वीडियो बन जाएगा यार, एक घंटे का वीडियो बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब डिज़ायर देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती है। और ये बात डिज़ायर उम्मीदों पे ठीक ठाक, जैसी उम्मीद थी वैसी है, मतलब हम ज़्यादा होप लगाते नहीं और ना ज़्यादा उसको बोलते। तो चलो भाई अपनी अल्ट्रोस की तरफ चलते हैं जिससे हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई होप्स है, और ये आज की भाई लास्ट गाड़ी है, देखते हैं भाई कैसे परफॉर्म करती है। फिर इसके बाद बाकी जितने भी कार्स बच गए हैं भाई वो सारे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अपन रैम टेस्ट करेंगे ऐसे वाले। अब भाई इस वीडियो में तो अपन रैम चैलेंज कर दिया, अगले वीडियो में रिवर्स रैम चैलेंज करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है दोस्तों। वीडियो बन चुका है वो, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है भाई, क्योंकि उसमें नहीं क्या मतलब अलग ही हिसाब हो रहा है लिटरली। देखते हैं कैसी आती है भाई, बहुत मज़ा आने वाली है उसके अंदर। अब अल्ट्रोस देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है अभी, 320। ओ भाई साहब अल्ट्रोस फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। मैं देख भाई मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे भाई यार ये क्या है, हिट गलती से एक हल्का सा टच हुआ मेरे से और भाई ये पूरी घूम गई। हवा में विंड होती है फिर भी, लेकिन मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ, ये अरे रे 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 कहाँ गई अल्ट्रोस, कहाँ गई भाई यार, झाड़ियों में चले गई। और ये भाई ये आ गई अपनी गाड़ी दोस्तों बाहर। तो दोस्तों आज की क्रैश टेस्ट में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर अपने बेल आइकन को अभी तक क्लिक नहीं किया है तो वो भी कर दो। और साथ ही साथ अपना Q&A दोस्तों अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों, मैंने क्वेश्चन वहीं से पिक करने वाला हूँ या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम तो भाई मैं कम्युनिटी पोस्ट से उठाने वाला हूँ, तो यार कमेंट करो वहाँ पे। और भाई मुझे क्या लगा था भाई कि क्वेश्चन थोड़े यूनिक आएंगे, नए वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई फिर से वही क्वेश्चन, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। भाई साहब मुझे लगा था भाई मेरे पहले चैनल की ऑडियंस यहाँ पे आई होंगी, लेकिन भाई साहब आप लोग तो पूरे न्यू हो मेरे लिए, कमाल है दोस्तों। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले वीडियो जब भी क्यू एन ए वीडियो आएगा 300K पे स्पेस रिवील के साथ साथ आपके सारे जवाब भी मिल जाएंगे सवालों के। चलो भाई टेक केयर, खुदा हाफिज़ और ध्यान रखिए अपना।